हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKLCC एजुकेशनल ग्रुप। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MKLCC ग्रुप पर। आज हम लेकर आए हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट 1। इसमें हम लोग श्रम विभाजन और जाति प्रथा का 30 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जो आपके आने वाले मैट्रिक परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस बार मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और मुझे बताएं कि 30 प्रश्न में आपको कितना याद था। और दोस्तों, जो प्रश्न याद नहीं है उसको आप जल्दी से याद कर लीजिए। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और ध्यान दीजिएगा, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने के लिए नंबर 1 आपका अपना यूट्यूब चैनल MKLCC ग्रुप है। और ध्यान देंगे, यह क्लास आपका लाइव चल रहा है, इसलिए वीडियो के नीचे एक लाइव चैट का ऑप्शन आएगा, उससे ज़रूर जुड़े। हमारे बताने से पहले अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर मालूम है तो ज़रूर चैट में दें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन बी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी महात्मा गांधी और ऑप्शन डी डॉक्टर संपूर्णानंद। तो अगर इस प्रश्न का उत्तर आपको मालूम है तो जल्दी से अपना उत्तर चैट में दें। तो याद रखेंगे, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आप लोग अपना उत्तर जरूर दें और लास्ट में बताएं कि 30 प्रश्न में आपका पहले से कितना प्रश्न याद था, क्योंकि ये सभी 30 प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI प्रश्न है, जो प्रथम लेसन श्रम विभाजन और जाति प्रथा से। हम लोग प्रतिदिन सभी सब्जेक्ट से एक सेट देखेंगे। तो दोस्तों, इस क्लास को दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि आपके दोस्त लोग भी इस क्लास का आनंद उठा सकें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? भीमराव अंबेडकर जिन्हें कहते हैं, तो डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? तो जल्दी से अपना उत्तर दें कि डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था। तो याद रखेंगे, रामजी सकपाल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? तो रामजी सकपाल। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो याद रखेंगे, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए आवश्यक श्रम विभाजन को मानता है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। याद रखेंगे, आवश्यक किसे श्रम विभाजन को? धन विभाजन, जन विभाजन एवं जाति विभाजन को नहीं, श्रम विभाजन को आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानता है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। हम लोग कुल 30 VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे, जो लेसन 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा से है। आप लोग जरूर अपना उत्तर चैट में दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। कैसा कारण बनी हुई है? प्रत्यक्ष या प्रमुख या दोनों या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से अपना उत्तर दें कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बने हुए, कैसा कारण बने हुए? तो याद रखेंगे, प्रत्यक्ष एवं प्रमुख दोनों कारण बने हुए है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। याद रखेंगे, जाति प्रथा में भारत में बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष एवं प्रमुख कारण बनी हुई है। तो इस प्रश्न लिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूक नायक क्या है? मूक नायक क्या है? मूक नायक क्या है दोस्तों? अखबार है, पत्रिका या पुस्तक या कहानी संग्रह? तो जल्दी से अगर इस प्रश्न का उत्तर आपको मालूम है तो अपना उत्तर चैट में जरूर दें, लाइव चैट का आनंद उठाएं, क्योंकि आपका यह एक टेस्ट रूप में हो जाएगा, ऑनलाइन टेस्ट के रूप में हो जाएगा, क्योंकि पूरे बिहार से इसमें स्टूडेंट जुड़ेंगे और सभी का अपना उत्तर इसमें देखेंगे किसका कितना सही हो रहा है। आप
कितना पोजीशन पर हैं, इसलिए अपना उत्तर जरूर दें। तो मुख्य नायक क्या है, तो मुख्य नायक याद रखेंगे पत्रिका है, क्या है पत्रिका, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। आप लोग उत्तर जरूर दें, गलत हो या सही, गलत से सीखेंगे उसे याद करेंगे, और सही रहा तो बहुत बढ़िया, इसलिए अपना उत्तर जरूर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई। तो याद रखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु 1956 ईस्वी दिल्ली में हुई थी, याद रखेंगे 1956 ईस्वी में कहाँ हुई थी, तो दिल्ली में हुई थी। किनका मृत्यु, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ। दोस्तों जितने भी लेसन हैं उनके लेखक के जन्म मृत्यु ये सभी जरूर याद रख लें, और लेसन के कौन लेखक हैं उसे भी जरूर याद कर लें, क्योंकि हर एक वर्ष प्रतिवर्ष इससे प्रश्न आते हैं। तो कह रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ, तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी। दोस्तों मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए सभी विषय से आपको ऑब्जेक्टिव सेट दिया जा रहा है। अगर आप साइंस, सोशल साइंस एवं अन्य विषय के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपको प्रतिदिन 7:30 बजे लाइव क्लास के रूप में मिलती है, इसलिए 7 बजे जरूर लाइव क्लास से जुड़ें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे, अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है, अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। तो याद रखेंगे दूध और पानी के मिश्रण की तरह। हाँ दोस्तों अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का रूप ऐसा होता है, दूध और पानी का मिश्रण। इससे आप बता भी नहीं सकते हैं कि दूध और पानी अलग अलग है, दोनों एक जैसा लगा। इसलिए अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है, तो दूध और पानी की मिश्रण की तरह। आप नहीं बता सकते हैं कि दूध कन्ने हैं और पानी किधर है, इसलिए उनके दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप दूध और पानी की मिश्रण की तरह होगा, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो कह रहा है क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। तो बहुत ही आसान सवाल है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किनकी थी, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। याद रखेंगे भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की थी, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सभ्य समाज की आवश्यकता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, सभ्य समाज की आवश्यकता है कहाँ, जाति प्रथा में, श्रम विभाजन, अनुबम या दूध पानी, सभ्य समाज की आवश्यकता कहाँ है। तो याद रखेंगे सभ्य समाज की आवश्यकता श्रम विभाजन में आवश्यकता है, कहाँ श्रम विभाजन, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। प्राथमिक प्राइमरी एजुकेशन प्राप्त करने के बाद अंबेडकर जी उच्चतर हाई एजुकेशन प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे, इटली में, दक्षिण अमेरिका या न्यूयॉर्क या दक्षिण कोरिया। तो याद रखेंगे प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क गए थे, कहाँ गए थे न्यूयॉर्क, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। आप लोग उत्तर जरूर दें, उत्तर देने में थोड़ा सा सावधानी बरतें, जितना नंबर प्रश्न का आप उत्तर दे रहे हैं उस नंबर को जरूर लिखें। उदाहरण तौर पे अगर 11 नंबर का आप उत्तर दे रहे हैं तो 11 का ए बी या सी इस तरह से अपना उत्तर जरूर दें, और लास्ट में आप बताएं कि 30 में आपका कितना सही हुआ, और जो भी ये प्रश्न आपके गलत हो रहे हैं उसे आप याद कर लें, क्योंकि सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंबेडकर चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे, कौन कहते हैं, अंबेडकर चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे, किनका कथन था, बुद्ध का, कबीर, ज्योतिबा फूले या इनमें से सभी। तो याद रखेंगे इनमें से सभी का कथन था कि अंबेडकर चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ, जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में
कब हुआ? 1942 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में, 1938 ईस्वी में। अगर आप लोग इस लेसन को घर पे पढ़े हैं, होम स्टडी किए हैं, तो जल्दी से इसका उत्तर जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आप लोगों के पास बुक नहीं है, तो अगर आप चाहते हैं कि मोबाइल में ही सभी एनसीईआरटी बुक हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम में रखें, तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें आपको बताया गया है कि किस तरह से कक्षा 1 से 12 तक के सभी बुक को अपने मोबाइल में डाउनलोड करें, उसे जरूर देखें आपके पास अगर बुक नहीं है। तो चलिए, कहता है जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? तो याद रखेंगे 1936 ईस्वी में। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, जो आपका प्रथम लेसन हुआ, क्या है? कहानी है, भाषण है, निबंध है या साक्षात्कार है? तो दोस्तों, श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध है। क्या है? निबंध है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? तो ध्यान देंगे, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, आप लोग समझ गए होंगे कि इनका ये सभी रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के हैं। कौन कौन रचना दोस्तों? तो द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल्स, हु आर सुदराज, और इनमें से सभी। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि द कास्ट इन इंडिया भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की रचना है, द अनटचेबल्स हु आर दे ये भी इनकी रचना है, हु आर सुदराज ये भी इनकी रचना है। तो इसीलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? कार्य कुशलता के लिए, भाईचारे के लिए, रूढ़िवादिता के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखेंगे, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक कार्य कुशलता के लिए मानता है। याद रखेंगे, कार्य के कुशलता के लिए आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो याद रखेंगे, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के एनी हेल्सन ऑफ कास्ट भाषण का संपादित अंश है। याद रखेंगे, एनी हेल्सन ऑफ कास्ट, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। इसी भाषण का संपादित अंश श्रम विभाजन और जाति प्रथा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है अंबेडकर के भाषण एनी हेल्सन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया? अंबेडकर के भाषण एनी हेल्सन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया? तो याद रखेंगे, ललन सिंह यादव, इन्होंने ही इस भाषण को हिंदी में रूपांतरण किया था। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगर इस सभी प्रश्न को आप देख लेते हैं, तो आपके बोर्ड एग्जाम में इस लेसन से एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। तो कहता है अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो याद रखेंगे, दलित परिवार में अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? तो याद रखेंगे, जातिवाद में लेखक को इस युग में विडंबना दिखाई दिया था। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि देख सकते हैं आप लोग के सामने है दोस्तों, जातिवाद अभी समाज में बहुत बढ़ चढ़कर भाग ले रहा। इसी को आप लोग को सुधारना है, एजुकेशन के थ्रू आप लोग सीखें और आप लोग जातिवाद को बढ़ोतरी न दें। तो लेखक को इस युग में जातिवाद विडंबना दिखाई दिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर अम्बेडकर के माता का क्या नाम था? डॉक्टर अम्बेडकर के माता का नाम क्या था? तो याद रखेंगे, उनकी माता का नाम भीमाबाई थी। क्या थी? भीमाबाई। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी, दोस्तों आप लोग जानते हैं, डॉक्टर जो आगे लगता है नाम के अंत शुरू में, या आप डॉक्टरी किए हों चिकित्सा के क्षेत्र में हों, या आप पीएचडी
कर लेते हैं तो आपके नाम के शुरू में डॉक्टर की उपाधि लगती है। तो डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? तो दोस्तों 1916 ईस्वी में डॉक्टर अंबेडकर जी ने पीएचडी कब की थी? 1916 ईस्वी में। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? अभी थोड़ी देर पहले दोस्तों देखे थे कि विडंबना किस बात में है, तो आपसे पूछा जा रहा है लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। तो याद रखेंगे लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, यही विडंबना की बात है, क्योंकि जातिवाद के पोषक भरमार है, इसकी कमी नहीं है, सभी लोग जातिवाद को बढ़ोतरी करते हैं। तो यही कहा जा रहा है कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है, तो यही है कि जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, वही बात उनको विडंबना लगती है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो उनके दृष्टि में आदर्श समाज जिसमें स्वतंत्रता हो, समता हो व भ्रातृत्व का भाव हो, अर्थात स्वतंत्रता स्वतंत्र हो, समता अर्थात बराबर हो, भ्रातृत्व माने भाईचारे का भाव हो, उनकी दृष्टि में आदर्श समाज इस तरह से होना चाहिए। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन था दोस्तों इसी से रिलेटेड था, अगर आप लोग समझ कर देख रहे हैं तो इस प्रश्न को आप लोग सही सही जवाब दे सकते हैं। तो जल्दी से अपना उत्तर चैट में दें कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो जाति प्रथा को, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको इसी से रिलेटेड था दोस्तों। तो लेखक बेरोजगारी और प्रमुख बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो जाति प्रथा को। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, ये दोस्तों ये अंग्रेजी वर्ड है, ध्यान देंगे, किनकी रचना है? तो सभी लोग जान रहे हैं किनकी चैप्टर पर है, भीमराव अंबेडकर जी के, और इन्हीं की रचना ये है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म। तो इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक करना ना भूलें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों वीडियो कुछ लंबा हो रहा है क्योंकि आप लोग 30 प्रश्न को समझते हुए देख रहे हैं, इस क्लास को देख लेने के बाद आपको प्रथम लेसन से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, इसलिए देर रहे बगैर दुरुस्त रहे, इसलिए इस क्लास को अंत तक जरूर देखें। कहता है आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है, लाभदायक है, हानिकारक है, अनुकूल है, या इनमें से सभी? तो दोस्तों आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है, तो हानिकारक है, याद रखेंगे जाति प्रथा आर्थिक दृष्टि से भी हानिकारक है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था, कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो याद रखेंगे डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था, तो वह बहिष्कृत भारत का संपादन किया था, याद रखेंगे डॉक्टर अंबेडकर जी ने बहिष्कृत भारत का संपादन किए थे, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। और आज का लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर प्रश्न कहता है, भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? इस प्रश्न का जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग सही जवाब देंगे, जल्दी से अपना उत्तर चैट में दें कि भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं। बहुत ही आसान सवाल है, सभी लोग को इस प्रश्न का उत्तर मालूम अवश्य होना चाहिए कि भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं, तो भीमराव अंबेडकर जी को, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। दोस्तों हम लोग हिंदी ऑब्जेक्टिव का पार्ट 1 देख रहे थे, जिसमें लेसन 1 श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा देख रहे थे, इसमें हम लोग 30 महत्वपूर्ण VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखें। दोस्तों इसी तरह से प्रतिदिन शाम 7 बजे हर एक विषय से एक ऑब्जेक्टिव का सेट देखेंगे, इसलिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक नहीं किए हैं, और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो दोस्तों आपका कितना सही हुआ इस जवाब को आप कमेंट में दें, क्योंकि चैट में आप जो देते हैं वो बस लाइव तक ही रहता है, लाइव के बाद ये ख़त्म हो जाती है, इसलिए अपना जो 30 में कितना सही आपका हुआ वो कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपका 30 प्रश्न में कितना सही हुआ। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।